तो राम राम सही भाइयों को, क्या हाल है भाइयों? आप सबकी उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे भाइयों। जैसे कि आप सबको पता है, हमने किया कार ले ली है, तो उसका आज हम ड्राइव रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। गाड़ी चलने में कैसी है सबसे पहले मैं बता दूँ आपको। गाड़ी हमारे पास 1.5 लीटर डीजल 6 सीटर टॉप एंड वाला वेरियंट है, जो कि इसका लग्जरी पैक में आता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो आज हम गाड़ी चला के बताने वाले हैं गाड़ी चलने में कैसी है, क्योंकि आपको पता ही है कि गाड़ी दोस्तों काफ़ी शानदार है। बाहर से तो आपने कई बार देखी है, लेकिन मैं आपको इस गाड़ी को चला करके बताता हूँ कि गाड़ी चलने में कैसी है, गाड़ी की पावर पिकअप मतलब परफॉर्मेंस कैसी है कैसी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की इंजन की परफॉर्मेंस की बात करूँ दोस्तों, किया सेल्टोस और क्रेटा जैसी चलती है वैसी ही सेम ये गाड़ी चलती है, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको स्टेयरिंग वैसा ही लगेगा, बिल्कुल स्मूथ एकदम, जैसे सेल्टोस का स्टेयरिंग होता है क्रेटा का होता है, स्मूथ स्टेयरिंग है। क्लच इसका काफ़ी स्मूथ है, डीजल गाड़ी हो जाने के बावजूद भी गाड़ी का क्लच बहुत स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है, मतलब कोई भी गाड़ी में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लैग है या फिर गियर शिफ्टिंग हार्ड है, तो कुछ भी नहीं है। इनिशियल रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, अंदर बैठ के आपको पूरा आपको कमांडिंग पोजीशन आएगी। डायमेंशन दोस्तों गाड़ी की मैं बताऊँ, सेल्टोस से आपको थोड़ी सी लंबी लगेगी, बाकी इसकी जो विड्थ है वो सेम किया सेल्टोस वाली है, हाइट सेल्टोस से थोड़ी सी ज़्यादा ऊँची है, 19-20 का ही फ़र्क है। बाकी मतलब सिटी ड्राइव के लिए गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है, मतलब आपको थकान नहीं होने की ज़रा सी भी, सेम क्रेटा टाइप हॉर्न इसमें है, तो बहुत अच्छा गाड़ी में आपको बैठ के लगेगा, ऐसे लगेगा नहीं कि आपको मतलब 19 लाख की गाड़ी है, आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा ये गाड़ी 23-24 लाख रुपये की गाड़ी है, क्योंकि इस गाड़ी का जो प्राइस है दोस्तों आपको पता ही है सेल्टोस से कम रखा गया है, जैसे कि आपको पता ही है सेल्टोस से गाड़ी का प्राइस कम है। बाकी बहुत अच्छा, इसका सबसे बड़ी बात इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत बढ़िया है, फुली डिजिटल है, जैसे आपको अल्काज़ार में मिलता है ना फुली डिजिटल, वैसे इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि सीट बेल्ट रिमाइंडर, गाड़ी से रिलेटेड सारे फीचर्स, क्रूज कंट्रोल सब कुछ शो करता है। और दोस्तों ये वाला टॉप वेरिएंट है, जो कि आपका 6 एयरबैग के साथ आता है, जो कि सेफ्टी में भी आपको पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की सेल्टोस से कहीं गुना ज़्यादा बढ़िया है, जब आप दरवाज़ा बंद करेंगे तो आपको कहीं गुना ज़्यादा सेल्टोस से ज़्यादा बढ़िया लगेगी। बिल्ड क्वालिटी में किया ने अच्छा काम किया है। बाकी ड्राइविंग की बात करूँ तो थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया, मैं गाड़ी को एक बार भगा के देखता हूँ कि गाड़ी का पंजा दबा के गाड़ी में पावर कितनी है कितनी नहीं है। थोड़ा सिटी ड्राइविंग में थोड़ी सी यही दिक्कत होती है कि यार आगे सामने ट्रैफिक आ जाता है, तो आप इतना अच्छा गाड़ी को भगा के नहीं दे सकते। बस ये थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको इंजन का रिस्पांस सुनाता हूँ कैसा है। बाकी इसका डैशबोर्ड की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, डुअल टोन का डैशबोर्ड है, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है। बाकी देखो मतलब गोली हो जाती है गाड़ी, गोली जिसे कहते हैं ना, जैसे आपको किया सेल्टोस में पावर है ना, वो वैसे ही सेम पावर है, क्योंकि पता है सेम इंजन 1.5 लीटर डीजल, जैसे जो कि क्रेटा से इन्होंने सेम इंजन क्रेटा वाला ही है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। पिकअप बहुत बढ़िया है, गाड़ी में बॉडी रोल नहीं है, इतनी ऊंची होने के बावजूद भी गाड़ी में बॉडी रोल नहीं है, और हाई स्पीड पे आपको जो गड्ढे हैं ना वो थोड़े बहुत महसूस होने वाले हैं, लेकिन स्लो स्पीड पे आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाले। उसका सस्पेंशन सॉफ्ट साइड रखा गया है, तो गाड़ी की हैंडलिंग बढ़िया है, मतलब इंजन बढ़िया है, अंदर बैठ के कैबिन नॉइस नहीं आ रही आपको बिल्कुल भी। गाड़ी को मैं 5 से 6 हज़ार RPM तक रेव करा है, उसके बावजूद भी इंजन नॉइज़ इतनी नहीं है जितनी आनी चाहिए थी। बाकी गाड़ी का एसी बहुत बढ़िया है, शानदार एसी है, तो चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है किया कारेंस को, क्योंकि मतलब किया कारेंस में एक चीज़ की कमी है कि इसमें के टॉप मॉडल में 16 इंच के टायर हैं, जो कि आपको किया सेल्टोस में 17 इंच के मिलते हैं, लेकिन अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन 16 इंच के टायर के साथ भी गाड़ी में अच्छी खासी ग्रिप है, अच्छी खासी इसकी परफॉर्मेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का 195 mm के अराउंड है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, सेल्टोस से कहीं गुना ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा ही है। बाकी ड्राइव रिव्यू के बारे में बात करूँ तो बहुत बढ़िया है, मतलब बॉडी रोल नहीं है गाड़ी में, स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, मतलब आपको महसूस नहीं होगा कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। सिटी ड्राइविंग के लिए गाड़ी काफ़ी शानदार है, कोई भी आपको बम्स एंड पोडल्स महसूस नहीं होंगे। पीछे वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है, पीछे जो स्पेस भी अच्छी है, पीछे बैठने वालों को भी काफ़ी अच्छा कंफर्ट है, और सबसे बढ़िया बात इस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, जो कि आपको और ज़्यादा बढ़िया बना देती हैं। लॉन्ग जर्नीस पे जाओ आपको वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करके गर्मी बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होगी। बाकी गाड़ी की जो विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है, बोनट का एज टू एज आपको दिखाई देगा, कहीं पर भी आपको यह नहीं लगेगा कि आप आपकी हाइट नीचे या फिर आपको पूरा प्रॉपर व्यू नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। बाकी दोस्तों किया कारेंस की अभी जो MID पे जो एवरेज शो हो रही है ना, वो भी 17-18 के आसपास हो रही है, जबकि ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, इतना खींच के चलता है तब भी अच्छी खासी एवरेज है। टर्निंग रेडियस गाड़ी का टर्निंग रेडियस भी सही है आपको, मतलब इतनी लंबी गाड़ी हो जाने के बावजूद भी टर्निंग रेडियस बहुत सही है। मैं आपको बताऊँ अल्काज़ार से
ज़्यादा लंबी गाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बराबर में खड़ा करके देखेंगे ना दोनों गाड़ियों को, तो अलकज़र से काफ़ी लंबी गाड़ी है। बाकी आप मुझे बताओ यार, आपको गाड़ी कैसी लगी? मैं अपना रिव्यू दूँ तो गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, स्पेस नो डाउट बहुत बढ़िया है, अलकज़र से ज़्यादा अच्छा स्पेस है इस गाड़ी में, कम्फर्ट की बात करें। बाकी तो मैंने पूरी गाड़ी आपको अपने डिलीवरी वाले ब्लॉग में दिखाई दी थी, गाड़ी में कैसी है कैसी नहीं। बाकी मैं इसके ऐसा कुछ गाड़ी का इंटीरियर मिलेगा आपको, जो कि थोड़ा बहुत आपको जो XUV 700 है ना उससे इंस्पायर्ड मिलेगा। टच स्क्रीन इसका काफ़ी बड़ा है, टच स्क्रीन मेरे ख्याल से इसका 10-12 इंच का है, एग्जैक्ट तो नहीं पता। ऐसा कुछ इसमें आपको MID मिलेगा, जो कि देखो सारे गाड़ी से रिलेटेड फीचर्स, एक्यूमुलेटेड माइलेज, ड्राइव इन्फो, सीट बेल्ट बैंड, मतलब सब कुछ मिलेगा। पीछे से मैं आपको एक बार और दिखा दूं गाड़ी कैसी है। पीछे से भी गाड़ी देखो ऐसी कुछ है, स्पेस भी इसमें अच्छा खासा है, तो स्पेस की कोई कमी नहीं है आपको अंदर से। बाकी यहाँ पे कैप्टन सीट्स का भी ऑप्शन आता है, लेकिन ये 7-सीटर वाला वेरिएंट है, तो लेग स्पेस भी बढ़िया है और ये इसमें बढ़िया है। इसमें भाइयों एयर प्योरीफायर आपको सेल्टोस में वहाँ मिलता था, लेकिन इसमें अब आपको एयर प्योरीफायर यहाँ मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया लगता है। पीछे आपको ट्रे भी मिलती है, यहाँ पर आप अपना सामान रखते, देखो ऐसी कुछ आप ट्रे मिलती है जिस पर आप अपना खाना वाना रख के खा सकते हैं। बाकी देखो अंदर से ऐसी कुछ गाड़ी है, काफ़ी बढ़िया है, सनरूफ में छोटा सा मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको AC वेंट्स दिए गए हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। सनशेड इस वाले में भी मिलते हैं आपको, बोस के म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। पीछे से गाड़ी का लुक दोस्तों ऐसा है, सिल्वर कलर में भी काफ़ी बढ़िया लग रही है गाड़ी है। हमने डिलीवरी इसकी वाइट के ली थी, जो कि 6-सीटर वाला था। पीछे से भी गाड़ी अच्छी खासी है, मतलब काफ़ी लंबी गाड़ी है, अलकज़र से भी काफ़ी लंबी है। देखो मैं बताऊँ यहाँ तक तो ये सेल्टोस है, इसके आगे ये अपनी किया की कारें है। पीछे से भी गाड़ी का लुक अच्छा खासा है, सारे पार्किंग, 4 पार्किंग सेंसर्स, कैमरा मिलेगा आपको, लाइट्स इसकी काफ़ी बढ़िया है, LED टेल लाइट्स मिलेंगी, जो कि काफ़ी शानदार लगती है। जला के भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इस गाड़ी की लाइट जलने में कैसी है। लाइट देखो पीछे से, तो ऐसी कुछ गाड़ी का लाइट का लुक है, काफ़ी शानदार लगता है। LED लाइट मिलती है इसमें आपको। बूट स्पेस की बात करें दोस्तों, देखो 7-सीटर वाला है बूट, इसमें देखो 7-सीटर के बावजूद भी अच्छा खासा बूट स्पेस है, बूट स्पेस की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आप अपना जो भी है स्पेयर व्हील, यहाँ पर लाइट मिल जाएगी, चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे ऐसी कुछ यहाँ पीछे की स्पेस है, आर्मरेस्ट मिलेगा। देखो ये आगे वालों के लिए कप होल्डर दिए गए आर्मरेस्ट में, तो गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, कप होल्डर्स मिलेंगे, चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। पीछे देखो दोस्तों बच्चे बैठ सकते हैं, ज़्यादा बड़े बंदे तो बैठ नहीं सकते, सीधी सी बात है। बाकी यही था दोस्तों, किया कारिंस का डीजल वर्जन को हमने ड्राइव करा है, गाड़ी चलने में काफ़ी शानदार है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? पर्सनली मैं बताऊँ तो गाड़ी चलने में काफ़ी बढ़िया है, स्मूथ है, मतलब रिलायबल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ले सकते हैं, अगर आपको डीजल गाड़ी चाहिए और आपका बजट अराउंड 18-19 लाख के आसपास हो, तो आपको इसका टॉप मॉडल मिल जाएगा, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है और बहुत अच्छी गाड़ी चलती है। बाकी वीडियो अगर यहाँ तक देखी और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना दोस्तों, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना, ताकि लोगों को भी पता चले किया कारेंस का ड्राइव इंप्रेशन कैसा है कैसा नहीं है। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।